तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने स्कॉर्पियो कार के न्यू अपडेट के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर हमें स्कॉर्पियो कार की काफ़ी डिमांड होने के कारण हमें न्यू वाले आने वाले अपडेट के अंदर हमें स्कॉर्पियो कार का अपडेट देखने को मिलेगा। ये कंफर्म हो चुका है, आने वाले अपडेट के अंदर हमें स्कॉर्पियो कार देखने को मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि हमारे रोहित भाई ने हमें क्या बताया स्कॉर्पियो के न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमें अपने आने वाले अपडेट के अंदर स्कॉर्पियो कार कंफर्म हो चुकी है कि हमें नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ अगर आप लोग आने वाले अपडेट के अंदर बोलेरो कार को भी ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा, जिससे कि आने वाले अपडेट के अंदर हमें स्कॉर्पियो कार के साथ साथ हमें बोलेरो कार का भी अपडेट देखने को मिल सके। और साथ में आप लोग कोई बाइक को ऐड कराना चाहते हैं तो ये सभी चीज़ों को आप आने वाले अपडेट के अंदर ऐड करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे कमेंट करके कोई सी भी बाइक या कार को ऐड करा सकते हैं तो वो हमारे आने वाले अपडेट के अंदर हमें। तो यहाँ पर रोहित गेमिंग स्टूडियो अपने आप लोगों के डिमांड के हिसाब से न्यू अपडेट लाते हैं। जैसे कि आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हमें डॉग का चिट कोड देखने को मिला था, तो इसी के हिसाब से आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हमें आने वाले अपडेट के अंदर आप कुछ भी ऐड कराना चाहते हैं तो वो ऐड करा सकते हैं, वो हमें नेक्स्ट आने वाले अपडेट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आप लोगों को बोलेरो कार भी ऐड करानी है तो उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें आने वाले अपडेट के अंदर ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और अगर आप बड़े वाले एयरप्लेन को भी ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर भी रोहित भाई अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आने वाले अपडेट के अंदर हमें बड़े वाला एयरप्लेन भी देखने को मिल सकता है चलाने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एयरपोर्ट पर हमें एक की जगह दो एयरप्लेन बड़े वाले देखने को मिलते हैं, तो आने वाले अपडेट के अंदर शायद हमें वो बड़े वाला एयरप्लेन चलाने को भी मिल सके। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करके बड़े वाला एयरप्लेन के ऊपर वर्क पूरा होने के बाद, कंट्रोल सेट होने के बाद हमें आने वाले अपडेट के अंदर बड़े वाला एयरप्लेन चलाने को मिल सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बड़े वाला एयरप्लेन का अपडेट आना चाहिए कि नहीं। तो इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।